आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग हुई है। अरनिया सेक्टर में सीमा पार से यह गोलीबारी की बातचीत सामने आई है। आपको बता दें कि इस दौरान बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। जीएमसी जम्मू में उनका इलाज चल रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साहिल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल, ये सीज फायर का उल्लंघन कब हुआ और इन जवानों की स्थिति कैसी है? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल देर शाम करीब 8:30 बजे के करीब पाकिस्तानी रेंजर्स ने जो है उन्होंने बीएसएफ की एक पोस्ट पे फायर किया और उसके नतीजे में बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हुए, जिन्हें बाद में जम्मू मेडिकल कॉलेज के में जो है इलाज मुआलजा के लिए दाखिल किया गया। वहां पे उनकी हालत जो है वो फिलहाल सही बताई जा रही है, उनका ट्रीटमेंट वहां पे चल रहा है। पाक रेंजर्स की ओर से आरएसपुरा सेक्टर में अरीना सेक्टर में जो है बीएसएफ की पोस्ट पे ये फायरिंग हुई थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई बीएसएफ ने की है। लेकिन बीएसएफ की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी है और जिस तरह से जो कल स्थानीय जो ऑफिसर है उन्होंने बता दिया कि 2 जवान जो है इस फायरिंग की वजह से जख्मी हुए, जिनका इलाज जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा है और उनकी जो स्थिति है वो काफी बेहतर बताई जा रही है इस वक्त। ये जो सीज फायर का उल्लंघन है करीब 2.5 साल बाद पाकिस्तान ने फिर एक बार किया है। फरवरी 2021 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने, दोनों देशों ने मिलकर ये तय किया था कि वो सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने फिर एक बार इस सीज फायर का उल्लंघन किया और कल 8:30 बजे के करीब बीएसएफ की आउटपोस्ट पर को निशाना बनाया और उस पे फायरिंग की, उस पे गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में ये 2 बीएसएफ जवान जो है जख्मी हुए हैं। जी बिल्कुल, काफी लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आप उन्हीं बीएसएफ जवानों की देख रहे हैं जो कि घायल हैं और जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है।